बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वेबिनार के सदर जनाब डॉक्टर आबिद हुसैन हैदरी साहब की इजाजत से मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा। तकरीबन हमारे मेहमान जो आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान की हैसियत से हैं, जनाब रिजवी साहब, जनाब डॉक्टर रेहान हसन साहब और गालिबन डॉक्टर राशिद रजी साहब भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दीगर तमाम शुरका का मैं सूबे उर्दू MGM कॉलेज संभल की जानिब से पुरखलोस इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज छुट्टी के दिन, क्योंकि छुट्टी का दिन खास तौर पे ज्यादा मसरूफियत वाला हो जाता है कि बहुत सारे हमारे जो हफ्ते भर के पेंडिंग काम होते हैं उस दिन तय हो जाते हैं कि किया जाएगा, लेकिन आप लोगों ने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा बिला ताखीर हमारे जो आज के खुसूसी मेहमान हैं उनके तारुफ के साथ। खुतबा है आज के प्रोग्राम का जनाब लईक रिजवी साहब का, उनका मुख्तसर तारुफ मैं इस तरह से पेश करता हूँ कि लईक रिजवी साहब का ताल्लुक जो है सहाफत और अदब दोनों से है। खुसूसी तौर पर उर्दू सहाफत के हवाले से एक अहम नाम लईक रिजवी साहब का है। अदब में मरसिया और उसकी रिवायत के हवाले से उनका अहम नाम है। राष्ट्रीय सहारा, कौमी आवाज, अमर उजाला, अखबार मशरिक वगैरह अखबार से वाबस्तगी रही। जी, और इसके अलावा सहारा परिवार से 20 साल से जायद अरसा उनको मुंसलिक हुए हो गया है। और लईक साहब का नाम जो है बरकी जराए इब्लाग में खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसको हम जानते हैं उसमें एक अहम नाम की हैसियत से वो अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनकी कई किताबें जो हैं अदब और सहाफत के हवाले से जो है मंजर आम पर आकर कबूलियत हासिल कर चुकी हैं। इस पर मौसूफ आलमी सहारा चैनल के एडिटर की हैसियत से अपने खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर राशिद अजीज साहब का ताल्लुक सरजमीन संभल से है, मेरा ताल्लुक भी इसी सरजमीन से है जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। इसके अलावा इल्म और अदब की दुनिया में समझिए कि मैं उनको एक इंस्पिरेशन का सोर्स भी मानता हूँ और अपना रहनुमा भी मानता हूँ। उनकी जिंदगी जो है जहद व अमल का एक उम्दा नमूना रही है। उनकी शख्सियत की कई जहतें हैं, बुनियादी तौर पर शायर हैं, इसके अलावा नई नस्ल के मुहक्किकीन और नाकिदीन में एक उभरता हुआ नाम राशिद अजीज साहब का है। रुहेलखंड में लोकगीत और इसी तरह की कई अहम किताबों के मुसनिफ मुरत्तिब हैं। देहरी उर्दू अकेडमी में ऐवान उर्दू जो महानामा है उसके शोबे में अहम खिदमात उन्होंने अंजाम दी है। लोग ज्यादा वाकिफ हैं उस जमाने में जब वो वाबस्ता थे उस रिसाले से। फिलहाल सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आज के हमारे एक मेहमान एजाजी हैं डॉक्टर रेहान हसन साहब, उर्दू अदब के संजीदा स्कॉलर की हैसियत से एक अहम नाम डॉक्टर रेहान साहब का है। मुमताज मुफ्ती पर रेहान साहब का जो है बुनियादी काम है, रिसर्च उन्होंने किया, तहकीकी और तनकीदी काम है, वो बहुत अहम है, बल्कि इस हवाले से ये उनका काम जो है अपने आप में एक हवाले की हैसियत रखता है। मौसूफ कई ऐसी किताबें जो है मंजर आम पर आ चुकी हैं और इस वक्त जो है वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये मुख्तसर मैंने तारुफ अपने मेहमान का कराया, मैं एक बार तहे दिल से तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ एक बार फिर, और ज्यादा ताखिर न करते हुए और आप लोगों के दरमियान में ज्यादा हायल न होते हुए प्रोग्राम के अगले जो है कदम की तरफ बढ़ता हूँ और दावत सुखन दूंगा अब आज के इस वेबिनार के मौजू जो के है जमहूरी निजाम में सहाफत का किरदार, इसका तारुफ जो है मुख्तसरन हमारे साथी शोबे के डॉक्टर नवीर अहमद खान साहब कराएंगे। अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे आज की इस ऑनलाइन बज्म को रौनक बख्श रहे बहसियत चीफ गेस्ट मोहतरम जनाब डॉक्टर राशिद अजीज साहब असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर मोहतरम जनाब डॉक्टर रेहान हसन साहब,
असिस्टेंट प्रोफेसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, कीनोट स्पीकर मोहतरम जनाब लयक रिजवी साहब, एडिटर आलमी सहारा, और दूसरे तमाम शुरका का हम शोभा उर्दू एमजीएम पीजी कॉलेज संभल की तरफ से पुरतबाग खैर मकदम करते हैं। अब हम आज की इस वेबिनार के मौजू जमहूरी निज़ाम में सहाफत का किरदार के तारुफ की तरफ रुजू करते हैं। सहाफत और जमहूरियत का आपस में गहरा ताल्लुक है। जमहूरियत के बगैर आजाद सहाफत मुमकिन ही नहीं। जमहूरियत एक रवैये का नाम है जिसके तहत जो चाहें लिख सकते हैं और जो सोचें वो बोल सकते हैं। जमहूरियत पर हमले को सहाफत कामयाब नहीं होने देती। जमहूरी निज़ाम के तसलसल में मीडिया का किरदार एक कलीदी अहमियत का हामिल है। मुल्क और कौमी मफाद के लिए सहाफत को बहुत ही ईमानदार और गैर जानिबदार होना अशद जरूरी है। हमारा वतन अजीज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और सहाफत को जमहूरियत का चौथा सुतून तस्लीम किया जाता है, और उसकी वजह यह है कि जब कभी मुकन्ना इंतजामिया और अदलिया अपने आईनी फराइज से मुनहरिफ होगी तो सहाफत उसकी खबर गिरी करेगी ताकि हमारी जमहूरियत को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन पिछले 7 सालों में ये देखा जा रहा है कि हमारे मुल्क की सहाफत बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जिस गैर जिम्मेदारी और गैर आईनी रवैये का मुजाहिरा किया है, इससे मुल्क में एक इस तरह की कैफियत पैदा हो गई है और अवामुन्नास को यह अंदेशा है कि हालिया इलेक्ट्रॉनिक सहाफत की ये गैर जिम्मेदाराना सहाफत और जज्बातियत से लबरेज और इश्ताल अंगेज बेबुनियाद खबरें मुल्क की सालमियत के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, बल्कि खतरा पैदा कर दिया है। मैं तो ये कहूँ अब प्रिंट सहाफत भी इसी राह पर चलती नजर आ रही है। हुकूमत और आरएसएस की जानिबदार सहाफत के इस दौर में बहुत से ऐसे सहाफी भी हैं जो अपनी सहाफती जिम्मेदारियों का एहसास रखते हैं और तकाजाए सहाफत की लाज रखे हुए हैं। इनमें सीनियर सहाफी विनोद दिवा और रवीश कुमार सहाफी एनडीटीवी शामिल हैं जिनकी सहाफत को बैनुल अक्वामी सतह पर शोहरत हासिल है। रवीश कुमार को तो उनकी बेबाक और हकीकत पसंदाना सहाफत के लिए साले गुज़िश्ता यानी साल 2020 में सहाफत की दुनिया का नोबेल कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। आखिर में बस ये कि हमारी जमहूरियत की पासदारी और आईनी अजमत की हिफाजत के लिए जरूरी है कि मुल्क में बेलगाम हो रही इस सहाफत पर लगाम लगाई जाए। आईनी और जमहूरी तकाजों को पूरा करना हम सभी शहरियों का अखलाकी फर्ज है कि इसके बगैर हमारा जमहूरी मुल्क अपनी तहजीबी शनाख्त कायम नहीं रख सकता। इसी मौजू पर हमारे जो मेहमान हैं सब इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे। जी डॉक्टर या सब जी बहुत शुक्रिया नवेद साहब। अब मैं बिला तमीद आखिर लयक रिजवी साहब की तरफ रुजू करूंगा जो आज के जो है कलीदी खुतबा जो पेश करेंगे। जनाब लयक रिजवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा अगर सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो आज के कलीदी खुतबे के लिए बड़े अदब के साथ सर अपने ख्याल से नवाजें जो आज का हमारा मौजूद जमहूरी निज़ाम में सहाफत का किरदार। जनाब लयक रिजवी साहब शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो जनाब सदर डॉक्टर आबिद हैदरी साहब, राशिद अजीज साहब, हेलो जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी इस वक्त, रेहान हसन साहब और तमाम और वही अपनी मर्जी से हुकूमत चुनता है। इख्तदार का ये निज़ाम बाकी तमाम निज़ामों से अपनी बहुत सी खसूसियत के बिना पर अच्छा और ज्यादा कामयाब भी है, लेकिन इसके साथ ही अपनी कुछ कमजोरियां भी हैं कि इसमें काबिलियत की नहीं सिर्फ तादाद की अहमियत होती है। इसीलिए सियासी और समाजी सतह पर कभी कभी बहुत सी मनफी सूरतें जन्म लेती हैं। अल्लामा इकबाल का वो शेर तो हम सबको याद है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। तो जमहूरियत
जाहिर है कि यूनान का जो फिक्री सिलसिला था और जो फिक्री शक्ल थी जमहूरियत की, उसको अगर छोड़ दें तो तकरीबन 300 बरस से दुनिया में जमहूरियत जो आज हमारे सामने मौजूद है, जिसकी शक्लें मुख्तलिफ शक्लें हम देखते हैं, तो जमहूरियत के साथ साथ ही बल्कि कुछ पहले से सहाफत भी मौजूद थी इस ग्लोब पर, और दोनों साथ साथ एक महजब समाज की तश्कील में उसके क्याम में रोल अदा कर रही थी। लेकिन ये जो सहाफत है, सहाफत को जब जमहूरियत की ये मौजूदा शक्ल हमारे सामने नहीं थी, तब भी सहाफत मौजूद थी किसी ना किसी शक्ल में, और बाद में मतबूआ शक्ल में सामने आ गई थी, और वो एक महजब समाज में उसकी बड़ी अहमियत थी। जो शहरी थे उसको बहुत कदर की निगाह से देखते थे, हुक्मरान तबका भी, और जो मशीनरी थी कवानीन नाफिस करने की वो भी बहुत कदर से और कभी कभी खौफजदा नजरों से उसकी तरफ देखा करती थी, क्योंकि सहाफत जो बुनियादी तौर पर जो सहाफत के तकाजे हैं, जो सहाफत का मिजाज है, जो कदरें हैं, जो वसूल हैं, वो यही हैं कि समाज के लिए, समाज की बेहतरी के लिए, समाज के और आम शहरी के मफादात के लिए वो काम करती है। उसकी नजर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हुकूमत के इदारे हैं, जो नीम सरकारी इदारे हैं, जो मशीनरी है, जो दूसरी दूसरे जो इदारे हैं जो समाज में काम कर रहे हैं, उन पर एक बहुत करीब और बारीक नजर रखती थी सहाफत, और वो उनके जो ऐसे काम जो समाज के लिए, आम शहरियों के लिए, मुल्क व कौम के लिए अच्छे नहीं थे, उन पर तनकीद करती थी, और तनकीद करके आवाम की जो आवाज है, जो आवाज हुक्मरान तबके तक नहीं पहुंच पाती थी, उसके लिए प्लेटफॉर्म एक पुल की सूरत होती थी। तो ये आइडियल सूरत है सहाफत की, जो आवाम के लिए, मुल्क व कौम के लिए और एक बेहतर माशरे के लिए काम करती है, और जमहूरियत के जो दूसरे तीन सुतून जो अभी गिनवाए गए उन पर एक नजर रखती है कि क्या उनके फैसले आवाम के लिए बेहतर हैं, मुल्क के लिए बेहतर हैं, कौम के लिए बेहतर हैं कि नहीं, और अगर नहीं है तो बिंतहाई बेबाक तरीके से उन पर तनकीद करती है। वो आवाजें आवाम उन्नास की जो नहीं पहुंच पाती या नहीं पहुंचने दी जाती हुकूमत तक, अफसरों तक, उनको बेहतर तरीके से वो उन कानों तक पहुंचाती है जो या तो बंद हैं या सुनना नहीं चाहते। तो ये इन उसूलों के साथ सहाफत ने अपनी अपने सफर का आगाज किया, और पूरी जो रवायत है सहाफत की अभी चंद बरस पहले तक, उसने कहीं ना कहीं बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा कर रही थी उमूमी तौर पर। मुश्किलें और खराब अनासिर हर पेशे में आ जाते हैं, तो यहां भी आए, लेकिन अगर हम चंद बरस पहले तक नजर डालें तो हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे। जहां लगा कि हुकूमत का फैसला गलत है और ये आवाम के खिलाफ है, मुल्क के खिलाफ है, तो सहाफत बेखौफ होकर, बेबाक होकर सामने खड़ी हो गई थी, और आवाम की जो उमंगें हैं, उनकी आरजू, उनकी तमन्नाएं और उनकी आवाज और उनके मुतालबात को उन कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। ये सूरत हाल अगर हम लंदन और अमेरिका और दूसरे बाज जो ममालिक हैं वहाँ से अलग हटकर सिर्फ अपने हिंदुस्तान में आके देख लें, तो आज़ादी के बाद सहाफत का जो किरदार है वो बहुत मुस्बत है, और बहुत बेहतर तरीके से उसने जंगे आज़ादी में भी काम किया, और जंगे आज़ादी के बाद जब एक जदीद हिंदुस्तान बनाने की कोशिश हो रही थी और उसे तरक्की की नई राहों पर खड़ा करने के लिए जतन किए जा रहे थे, उस वक्त सहाफत
शाना बशाना खड़ी हुई थी और वो उनका साथ दे रही थी। अगर बहुत सी मिसालें न दी जाएं तो हम सबको याद है सन 1975 जब उस वक्त की हुकूमत इंदिरा गांधी की हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी थी और उसका पहला या बड़ा जो हमला था वो आजाद सहाफत आजाद मीडिया पर था और एक प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। उस वक्त भी सहाफत ने अपने उसूलों से समझौता नहीं किया और ना वो डरी और ना उसने अपने रास्ते छोड़े। बहुत से लोगों को कैद हुई, बहुत से अखबार को नोटिस भेजे गए और बहुत से सहाफियों की नौकरियां जाती रहीं, लेकिन जो बुनियादी काम था वो अंजाम दिया ज्यादा नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे बाद में जो मैंने उसके किस्से पढ़े हैं और बाद में जब मैं खुद सहाफत का हिस्सा बना 30-32 बरस पहले, तो उसमें मुझे जो चीजें बताई गईं, तो कौमी आवाज जो उर्दू का बड़ा अखबार है, आज भी उसका नाम लिया जाता है, हालांकि अब वो अखबार की सूरत में हमारे सामने नहीं आता। मुझे शर्फ है कि मैंने कई बरस उसके लिए मैंने काम किया लखनऊ में। तो सन 75 में वो कौमी आवाज जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हामी एक ट्रस्ट का अखबार था, एजे लिमिटेड का, उस अखबार ने जब एक लखनऊ में उस जमाने में हयातुल्ला अंसारी गालिबन उसके एडिटर थे, तो एक खबर पर लखनऊ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ऑफिस में आके, दूसरे अखबारों में भी गए होंगे और कौमी आवाज में भी आके, उन्होंने सफ़े अव्वल पर जो लगी हुई खबर थी उसको उन्होंने कहा कि ये खबर नहीं जाएगी कल अखबार में, और उसको निकलवा दिया। तो उस कानून इतने उस जमाने में सख्त थे कि लोगों ने वो खबर उनको निकालना पड़ा, सेंसरशिप थी। लेकिन सलाम है उन बेबाक सहाफियों को कौमी आवाज के कि उन्होंने पेज वन पर वो सफा जो छपने के लिए भेजा, तो उसमें वो हिस्सा जो खबर जो निकाल देने के बाद खाली बच गया था उसको जस का तस रहने दिया और उसमें ये लिख दिया कि हम यहाँ पर ये खबर दे अपने कारीन तक पहुँचाना चाहते थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जबरी हुक्म की वजह से वो हमें हटाने के लिए हम मजबूर हुए, लेकिन हम एहतजाजन ये जगह खाली छोड़ रहे हैं। तो वो अखबार जो कहीं ना कहीं कांग्रेस वाले एक ट्रस्ट के तरफ से निकलता था, उसमें भी इतनी हिम्मत थी उस दौर में सन 75 में कि उसने इंदिरा गांधी जैसी वज़ीर आज़म, उनकी मजबूत सरकार और इंतहाई सख्त कानून के बावजूद ये हिम्मत दिखाई कि उन्होंने वो जो अगले दिन अखबार लोगों तक पहुंचा तो उसमें पेज वन पर वो उतना हिस्सा जहां वो खबर छपनी थी वो खाली था और बीच में एडिटर का ये एक नोट कि हम यहाँ ये खबर दे रहे थे लेकिन हमें हटाना पड़ा, तो हम एहतजाजन ये उसको शामिल कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल अभी कुछ बरस पहले तक भी थी। तो सहाफत ने जो उसकी जिम्मेदारी थी जमहूरियत के तईं, मुल्क के तईं, कौम के तईं और माशरे के तईं, उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाया। सहाफत जो कहा जाता है कि चौथा सुतून है, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है चौथा सुतून, बल्कि वो चौथा सुतून जिस पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो जो तीनों सुतून पर भी नजर रखता है, ऐसा सुतून जो हुकूमत जो जिसे हम विधायिका कहते हैं हिंदी में अगर हम बात करें, वो अफसरान और वो मशीनरी जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, वो उन पर एक बहुत नजर, बारीक नजर, और अदलिया न्यायपालिका उसके भी फैसलों पर अपनी हदों में रहते हुए
एक तनकीद का रवैया सहाफत रखती है। तो ये उसकी जिम्मेदारी है, जमहूरियत हमें ये इजाजत देती है, हमें ये हक देती है। तो सहाफत इब्तिदा से लेकर अगर हम 300 बरस पूरे ग्लोब पर जाके देखेंगे तो ये वक्त नहीं है हमारे पास इतना कि हम उस पर गुफ्तगू कर सकें, लेकिन अगर सिर्फ हम हिंदुस्तान की बात करें तो आज़ादी के बाद और जब से यहाँ जमहूरियत का राज आया तब से सहाफत ने और तमाम सहाफतों ने मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया और जो छोटे अखबार निकल रहे थे और जो मुख्तलिफ इलाकाई अखबार निकल रहे थे और बाद में जो टेलीविजन चैनल आए, इब्तदाई जमाने तक उमूमी तौर पर सहाफत ने अपनी जिम्मेदारियों का लिहाज रखा, पास रखा और वो काम करते रहे। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो तारीख में दर्ज है वो सन 75 में जिस तरह से हुकूमत के खिलाफ सीना तान के खड़ी हो गई थी सहाफत और आंखों में आंख डाल के जिस तरह से बात कर रही थी, वो अब तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये अच्छी सूरतें बाद में धीरे धीरे उसमें शक्ल उसकी तब्दील होने लगी और अगर हम पिछले 6-10 बरस की बात करें तो सच है कि सहाफत का वो रोशन चेहरा अब नहीं रहा, उसमें बहुत सी तब्दीलियां आई, उसकी बहुत सी वजह भी हैं और जायज वजह हैं, वाजिब वजह हैं। तो उसमें जो समाज की तरफ से जो दबाव हैं, जो बाजार का दखल है, जो सियासत की दखल अंदाजी है, जो सहाफत मिशन के बजाय अब शो बिजनेस जिस तरह से बन गया है टेलीविजन चैनल आने के बाद, तो उन सब असबाब की बिना पर सहाफत का चेहरा मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आपकी आ रही है सर? जी जी आ रही है आपकी आवाज। तो ये सही है कि पिछले 10 बरसों में पूरे ग्लोब पर हालात थोड़े से तब्दील हुए हैं और बिलखसूस हिंदुस्तान में ज्यादा हालात खराब हुए हैं। तो उसके बहुत से असबाब हैं जो मैं अभी अर्ज कर रहा था कि बाजार का दखल हो गया है, सियासत का दखल हो गया है और कॉरपोरेट घराने आ गए हैं। तो इस वजह से अब वो मिशन जैसी सूरत तो नहीं रही है, वो एक कारोबार हो गया है तो कारोबार नफे और नुकसान पर भी नजर रखता है। तो अब सिर्फ मिशनरी सहाफत की तवक्को हम नहीं कर सकते, हर इदारा ये चाहता है कि वो कुछ मनफात की सूरतें भी हों। तो और उसकी वजह से सहाफत का चेहरा तब्दील हुआ है और इसमें हमें ये मान लेने में कोई संकोच नहीं है और कोई वो नहीं। हम अगर पूरी सहाफत पर, हिंदुस्तान की सहाफत पर नजर डालें तो और सिर्फ उर्दू पर नजर डालें तो तकरीबन 200 बरस की हमारी रवायत है और बड़ी रोशन, मालदार और गरां कद्र रवायत है उर्दू सहाफत की। और आज तक उर्दू सहाफत अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है। आज भी जो सहाफत पर तरह तरह के इल्जाम लग रहे हैं और बातें की जा रही हैं और लतीफे आ रहे हैं, तो हम सब को शुक्र अदा करना चाहिए कि कम से कम उर्दू वालों तक ये बातें अभी नहीं आई हैं। हम अभी भी अपनी चीजें हमारी भी खराब हुई हैं लेकिन हम अभी अपनी कदरों की पासदारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम उसके लिए अपने कारीन का भी शुक्रिया अदा करते हैं और अपने नाज़रीन का, अगर टेलीविजन चैनल के हिसाब से कहें तो हमने अपना जो हत्तल इम्कान जो हमारे वसायल हैं उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि सहाफत मजमूई तौर पर आज अपने सबसे मुश्किल दौर में पहुंच गई है। मैं अगर तारीख की बात ना कहूँ, सिर्फ अपने तजर्बे की बात करूँ, 32-33 बरस का मुझे हिंदी दोनों काम किया है, प्रिंट और टेलीविजन दोनों। ये सच है कि आज सहाफत एक चुनौती से जूझ रही है, बहुत से चैलेंजेस हैं हमारे सामने, अंदरूनी दबाव भी हैं, बाहरी दबाव भी हैं हमारे सामने, बाजार और सियासत और चीजों का दबाव है। अब
इस खतरे पहले भी थे सहाफत के सामने इनफरादी तौर पर, किसी रिपोर्टर के लिए, किसी अखबार के लिए, किसी स्टोरी के छप जाने के बाद कोई इनफरादी तौर पर वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता, तो ये रवैये पूरे ग्लोब पे हैं। हर बरस अच्छी सहाफत करने वाले सहाफियों को कई दर्जन सहाफी कत्ल किए जाते हैं, बहुत से लोग जेल में डाल दिए जाते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं और उनको उनकी नौकरियां जाती हैं। ये सिलसिले पूरे ग्लोब पर फैले हुए हैं। हम लोगों को याद करना चाहिए वो सऊदी सहाफी जिसने जरा सी एक उसूल पसंदाना और ईमानदाराना सहाफत जमाल खशोगी का उसको अपनी जान दे के उसका सौदा करना पड़ा था, उस सहाफत का उसको अपनी जान देनी पड़ी थी। तो इस तरह की मिसालें अगर हम पूरे ग्लोब पर देखें तो बहुत सी मिल जाएंगी, और हिंदुस्तान में भी ये सूरतें हैं। बहुत से दबाव हैं, बहुत तरह के बीच हमें काम करना पड़ता है। अब पहले भी डराने धमकाने और उसकी कोशिशें होती थी, अब बाकायदा मुनज्जम तरीके से सहाफत पर इस तरह के दबाव हैं। लेकिन हम बहुत मायूस नहीं, हमें ये अभी भी लगता है कि जो हमारी रवायत है, जो हमारी एक परंपरा है और एक बड़ी मालदार और चमकती हुई रोशन परंपरा है, उस वो परंपरा इस थोड़े से झटके से, इस थोड़े से उतार चढ़ाव के बाद हमेशा के लिए सर अपना नहीं जानवों में दे देगी। एक वक्त है, थोड़ी देर के लिए ये वक्त है हमारे सामने, लेकिन हम अभी भी इस हमें ये भरोसा है अपनी रवायत पर, अपने उन ईमानदार सहाफियों पर, उन ईमानदार अखबार और चैनल्स पर कि ये शाम भी ढल जाएगी और हम आने वाले दिनों में एक नई सुबह में फिर दाखिल होंगे, और वो सुबह जो अपनी पूरी ईमानदार बेबाक गैर जानिबदार सहाफत के साथ सामने आएगी और मुल्क कौम के लिए वही काम करेगी जो उसका बुनियादी फर्ज है, जिसके लिए उसे समाज इज्जत देता रहा है, जो उसका बुनियादी तकाजा है, उन्हीं रोशन उसूलों के साथ हम फिर आगे आएंगे। ये वक्ती एक जो बहरान है वो छटेगा, फिर ये धुंधल के दूर होंगे और एक नई सुबह आएगी, और हम जमहूरियत के लिए और पूरे मुल्क के लिए, कौम के लिए फिर उसी जिम्मेदारी के साथ सामने आ जाएंगे। अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं, चंद नाम जो बदनाम हो गए हैं और चंद चेहरे जो जिन पर दाग लगे हैं, वो उस उनके बावजूद एक बड़ा तबका आज भी ईमानदार सहाफत कर रहा है। ये सही है कि उन बड़े चेहरों के नाम और उस शोर शराबे और उस प्रोपेगेंडे वाली सहाफत में वो आवाजें आम कानून तक ना पहुंच रही हों, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपनी बात कर रहे हैं और अपनी खबरें लिख रहे हैं, अपनी रिपोर्ट्स फाइल कर रहे हैं। और यही वजह है कि अभी भी ऐसा अगर होता कि सारे सहाफियों ने सर झुका दिए होते, जबानें सिल ली होती, तो फिर तो बेचैनी ना होती। लेकिन अभी भी जो बेचैनी है बरसरे इख्तदार तबके में, वो इसीलिए है ना कि बहुत से सहाफियों ने अभी अपनी अपना सौदा नहीं किया। तो ये सही है कि आज खरीदने वाले बढ़ गए हैं, आज कीमतें ज्यादा लगाई जाने लगी हैं, कि वो किसी का शेर है, अगर मुझे याद आ जाए तो मैं सुनाऊं आपको, कि सहाफत के लिए तो नहीं है लेकिन उस पर फिट होता है कि हम हैं मताए पूछो बाजार की तरह,
हमें मताए पूछो बाजार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। तो खरीदने वाले पहले भी थे, कम थे, कीमतें तब भी लगाई जाती थी, अब भी लगाई जाती, लेकिन अभी भी आज भी जो बुरा दौर है सहाफत का और चैलेंजेस से भरा हुआ जो दौर है, उसमें भी बहुत से अच्छे लोग, मुझे लगता है कि बेशतर लोग, अगर हम तादाद और वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो बेशतर लोग अभी भी ईमानदारी से सहाफत कर रहे हैं। तो हमें, मैं खुद मायूस नहीं हूं और आपको मैं इत्मीनान दिलाता हूं कि ये अंधेरा जो बज़ाहिर हमारे सामने आ गया है, ये छंटेगा और हम फिर एक नई सुबह की तरफ बढ़ेंगे। हम फिर उसी जिम्मेदारी के साथ और सहाफत जो अपनी मालदार रवायत है उन्हीं कदरों के साथ फिर उस जमहूरियत में अपना रोल, अपना किरदार अदा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। जनाब लईक रिज़ी साहब के ख्यालात हम लोग सुन रहे थे। सर ने जो है बहुत खूब अपना खुतबा पेश किया कि सहाफत का किरदार आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद मुस्बत कदरों का हामिल रहा, लेकिन मौजूदा दौर में कुछ, सर ने इशारा किया कि कुछ असबाब हैं कि सहाफत का जो किरदार होना चाहिए था एक जमहूरी निज़ाम में, वो हमारे सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन सर ने कुछ उम्मीदें भी जाहिर की कि ये शाम भी ढल जाएगी और जो किरदार सहाफत का रहा है वो हमारे सामने फिर से आ जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ का शेर का एक मिसरा के शायद इसी तरह से है, मुझे याद नहीं कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, कुछ इस तरह से मिसरा है। तो वो भी गुजर जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि जो एक जमहूरी निज़ाम में सहाफत का किरदार होना चाहिए था वो फिर से हमारे सामने आएगा। मैं ज़्यादा हायल ना होते हुए अपने आज के अगले मुकर्रर आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी डॉक्टर राशिद अजीज साहब की तरफ रुजू करूंगा, अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हों तो। सर आप आज के इस मौजू पर अपनी तरह ख्याल करें। डॉक्टर राशिद अजीज साहब जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रियाज अनवर साहब, आज की महफिल के सदर मोहतरम आबिद हैदरी साहब, हमारे आज के खतीब डॉक्टर लईक रिज़वी साहब, दीगर शुराका, नाजरीन, हाजरीन और सामीन, जमहूरी निज़ाम और सहाफियाना जिम्मेदारी, जैसा कि हमारे मोहतरम खतीब ने फरमाया कि जमहूर आवाम से मुराद होता है। हाँ, कुछ कह रहे हैं? नहीं, कुछ कुछ लोगों का माइक जो है वो अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लें। आवाम से मुराद होता है और इस आवाम में छोटे बड़े आला। जी सर जी, जारी रखिए आप, आपकी आवाज आ रही है। आला और अदना सभी की शमूलियत होती है और सभी के शामिल होने से जो नताइज बरामद किए जाते हैं वो जमहूरी फैसले कहलाते हैं और उसी के तहत हमारी हुकूमतें अमल में आई। और इस जमहूरी निजाम का सिलसिला अव्वल तो इस्लामी रिवायात से शुरू हुआ था, लेकिन जो उर्दू सहाफियाना मामलात हैं ये तकरीबन मुगलिया दौर से शुरू हुए हमारे यहाँ, जो किताबचे की सूरत में कलमी नुस्खों की हालत में सामने आते। अब यहाँ जिम्मेदारी की असल बात है और वो ये है कि सहाफी असलन आईना होता है समाज का, हुकूमत का, वक्त का। वो आईना के जैसा हमारे खतीब मोहतरम ने इसकी वजाहत भी फरमाई है कि जो नजर रखता है हुकूमत की कारकर्दगी पर, समाजी अमल दरामदी पर, कि आखिर जो कुछ हमारी फिक्र और हमारे इकदाम जाहिर हो रहे हैं उनके पीछे जो जज्बा, जो जरूरत कारफरमा है वो क्या है, वो सही समत में सफर कर रही है
या कि उसमें किसी इस्लाह की जरूरत है, तो मुझे इदारिये याद आते हैं बहुत सारे हमारे मौलाना ये अल जमीयत के मौलाना फारूक अली रहमतुल्लाह अलैह के जिन्होंने अल जमीयत के तवस्सुत से हमारे समाज को बाखबर किया उस वक्त की हुकूमतों और उनके तकाजों से, और आगाह किया अमली सूरत में अपने आप को जाहिर करने के लिए जरूरतों और मकासिद सामने रखने के ताल्लुक से। तो मालूम यह हुआ कि सहाफियाना जिम्मेदारी दो गुनी चार गुनी, सहाफी कभी नींद और गफलत में नहीं रहता, गोया के अगर वो सोया हुआ भी है तो मालूम हुआ कि उसके यहाँ जो मुस्बत रवैये हैं वो रवैये लगातार कार फरमा रहते हैं। और इसकी शाहकार मिसाल हमें हमारे मुआसिरीन में डॉक्टर लईक रिजवी साहब से मिलती है कि जिन्होंने 30 बरस से ज्यादा का अरसा इसी के लिए वक्फ किया। अब यहाँ असल बात है अवाम, अवाम अवाम को बेदार करना, बाखबर करना और उनको सही निशाने की जानिब गजन करना, ये सहाफत की जिम्मेदारी है। अगर सही है कि हम पेशावराना सहाफत की तरफ ज्यादा चले गए और चैनलों के आने के बाद तो तरह की चीजें, और बल्कि यूं कहिए कि सहाफत का नाम ही मंसूब किया जाने लगा इसी खास टैग से, गोदी मीडिया इस तरह की चीजें, ये सहाफत के लिए जख्म है, ये अच्छी अलामत नहीं है। लेकिन मुझे बहुत तमानियत है इस बात की कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी यानी उर्दू की सहाफत की जो तारीख है पिछले कई सौ बरस की, उसने बहुत वाजे शफाफ और गैर जानिबदाराना सहाफत का किरदार अदा किया और अदालत में इसमें नहीं आ रहा। याद कर लूं हारून बीए को, जिन्होंने बेबाक शुरू किया मालेगांव से और आज तक वो यही काम कर रहे हैं, क्योंकि जब प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट का सिलसिला शुरू हुआ तो वहां भी हमने अपने अदीबों की अदीबों की रहनुमाई की। जब हम बात करें सियासत की, सियासत मुदीरान ने अपने इदारिये लिखकर हमारे आवाम की रहनुमाई की, उन्हें बाखबर किया कि अगर आप इस तरह का अमल करेंगे नतीजा निकलेगा और उस तरह का अमल करेंगे तो ये नतीजा निकलेगा। और इसमें बहुत बड़ी मिसाल, मुझे बड़ी खुशी हुई लईक रिजवी साहब ने जो इंदिरा गांधी वजीर आजम मोहतरमा की के ताल्लुक से बयान की कि अखबार ने जब एहतजाज दर्ज किया तो उसने ये रखा कि देखिए ये खबर हम छापने जा रहे थे लेकिन हमें मुमानियत रही। आज अल्लाह का शुक्र है इस ताल्लुक से सहाफत को बहुत से इख्तियारात गए हैं, बावजूद इसके कि हम कुछ कवानीन के ताल्लुक से मजबूर जरूर हैं और रहना भी चाहिए, अखलाकी जिम्मेदारी है। बड़ी खिदमत अंजाम भी हमारे मोहतरम नहीं कहलाएंगे, और जब आपके अंदर ये दोनों वस्फ मौजूद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह रहमान आपकी फतह ही फतह है। इसी के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम आबिद हैदरी साहब का कि उन्होंने मुझे ये मौका। बहुत शुक्रिया सर। मेरी आवाज पहुंच रही है? बीच में असल में ये थोड़ा नेट का इंटरप्शन हो रहा है, नेटवर्क यहाँ ठीक नहीं है। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो जी 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 सर, मेरी आवाज आ रही है? असल में इधर नेट का थोड़ा सा इंटरप्शन बीच में हो रहा है। अच्छा अच्छा, मैंने इजाजत चाहिए और शुक्रिया किया आपका कि आपने मुझे। डॉक्टर राशिद अदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। सहाफत का काम है कि वो समाज को बेदार बाखबर रखे और निजाम और जमहूर के दरमियान जो है एक रिश्ता कायम करे। बहुत कुछ बातें आपने कही और सूरत हाल जो भी है
लेकिन एक उम्मीद हमें रखनी चाहिए और अफराद जो समाज का जो है जिनसे मिलकर के समाज बनता है उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हकूक और फराइज को जानने की कोशिश करें। और सहाफत का किरदार जो मौजूदा वक्त में वो सबके सामने है कि कौन किस जो है असर और रसूख के तहत काम कर रहा है। दयानतदारी भी है और उस तरह के लोग भी हैं जो निज़ाम के साथ न खड़े होकर के अगर आवाम के साथ रहें तो जमहूरी निज़ाम जो वो ज्यादा जो मजबूत होता है। बहरकैफ मैं अब अपने अगले आज एक शेर जी सर अता हो सर जी सर खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो जी खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो जब तोप हो तो अखबार निकाल। वाह बेशक जब तोप मकाबिल हो तो अखबार निकाल। जी 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 कलम की ताकत से सब वाकिफ हैं कि जो तोप और बंदूक की ताकत होती है उससे कहीं ज्यादा जो है कलम की ताकत है। चलिए मैं अब अगले मुकर्रर आज के मेहमान एजाजी जनाब डॉक्टर रेहान हसन साहब की तरफ मैं रुजू करूंगा कि आज के इस मौजू के हवाले से इजारे ख्याल करें। जी सर आवाज मेरी अगर आप तक पहुंच गई डॉक्टर रेहान हसन साहब। ख्वातीन हजरात आज के की नोट एड्रेस के लिए जनाब लयक रिज़वी साहब और इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर राशिद अजीज साहब और प्रोग्राम की सदारत करने वाले आबिद हैदरी साहब और ख्वातीन हजरात जमहूरी निज़ाम में सहाफत के किरदार के उन्वान से यहाँ पर गुफ्तगू की गई। जाहिर है कि सहाफत का फरीज़ा इब्तदाए आफरीनिश से ही मौजूद है, इसलिए जब खालिक़े कायनात ने जब अपने अंबियाए कराम को भेजा तो सहीफ़ों के साथ भेजा तो इसे ये बात जाहिर होती है कि सहाफत का किरदार कितना अहम है खुद खुदा के भी नज़दीक और आवाम के भी नज़दीक। इसलिए कि अगर सहाफत नहीं होगी तो फिर आवाम को सही रास्ता कौन दिखाएगा। तो सहाफ़ियों का बहुत ही बड़ा मर्तबा है और इसी अजमत और अहमियत को देखते हुए सहाफत को हम चौथा सतून कहते हैं और ये सतून एक ऐसा सतून है कि जो हमारे तमाम सतूनों पर नजर आता। हमने ये देखा है कि सहाफत ने हर दौर में अपने किरदार को अपनाया है, लोगों को रास्ता दिखाया है और आवाम को बेदार किया है। हमारी आज़ादी में भी सहाफत का सबसे अहम किरदार है। मौलवी मोहम्मद बाकर ने सहाफत के ही जरिए आवाम को अंग्रेज़ों के जुल्म जब्र से निजात दिलाने की कोशिश की। इस सिलसिले में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल के जरिए, मौलाना हसन मोहानी ने बड़ी हमें खुशी महसूस होती है कि उर्दू ज़बान जमहूरी निज़ाम में जो किरदार निभाया है वो हमें दूसरी ज़बानों के सहाफत में वो किरदार नहीं देखने को मिलता। लेकिन जब से प्रिंट मीडिया के बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना आया तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में हम देखते हैं कि इब्तदा में जो सहाफत का किरदार है उस किरदार को आया, लेकिन उसके बाद जाहिर है कि प्रिंट मीडिया में भी कारोबारी सहाफत का दखल था लेकिन फिर भी कुछ लोगों में अहमियत थी। हमारे
जनाब रिजवी साहब ने कौमी आवास किया था इंदिरा गांधी के हवाले से। ये जाहिर सी बात है कि ये जो था वो कांग्रेस ने निकलवाया था, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कौमी आवाज ने जो सहाफत का किरदार निभाया है उसकी मिसालें जो हैं वो बहुत ही कम देखने मिलती है, शाज़ो नादिर ही नजर आती हैं। ख्वाब हयातुल्ला अंसारी हूँ या इशत अली सिद्दीकी हूँ या उस्मान गनी हूँ, आप देखेंगे कि एक पार्टी का अखबार होने के बावजूद इन लोगों ने सहाफत के किरदार को निभाया। ना ये हुकूमत से डरे, ना जो लोग इसको स्पॉन्सर्ड कर रहे थे, जो लोग इस अखबार को निकालने के लिए पैसे दे रहे थे, ना उनसे डरे। सहाफत का किरदार वो एडिटरान भी निभाते रहे। लेकिन इस दौर में देखा गया चंद बरसों में कि सहाफत ने अपने किरदार को धूमिल कर, जाहिर है कि जान का भी खौफ है, पैसे का भी लालच, तो ये दोनों चीजें एक ऐसी आ गई। यानी कारोबार तो हर दौर में रहा है, लेकिन इस जमाने में ये सहाफत कारोबार की जानिब ज्यादा बढ़ गई, जिसकी तरफ हमारे मोहतरम लईक रिजवी साहब ने भी इशारा किया है। लेकिन बड़ी बात यह है, चूंकि लईक रिजवी साहब का जो है वो 30-32 साल का सहाफती तजुर्बा है और उन्होंने इस बात तरफ किया है कि शाम जो है वो खत्म होगी और फिर जो है वो रोशनी की किरण नजर आएगी। हम उम्मीद यही करते हैं कि वो रोशनी की किरण जल नजर आ जाए, ताकि जमहूरी निज़ाम में जो सहाफत का किरदार है उस किरदार को अपनाया जाए। जाहिर है कि चंद लोग हैं कि जो सहाफत के किरदार को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बड़ी दुश्वारियों का सामना है, बहुत मुश्किलों का सामना है, यहाँ तक कि जान का भी खौफ है, और सभी लोग वाकिफ हैं कि उनको किन कठिनाइयों से और किन परेशानियों से और किन कुलफतों से और मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है, तब वो सहाफत के किरदार को निभा रहे हैं। हम जो लईक रिजवी साहब ने जो सहाफत के हवाले से जो बामाने गुफ्तगू की है, हमारे इल्म में इजाफा हुआ है और हमारे कारीन के, हमारे जो है वो नाजरीन हैं उनके भी इल्म में इजाफा हुआ होगा, और जो बातें उन्होंने जिन बातों की तरफ इशारा किया है, हमारी बस्ती दुआ यही है कि सहाफत जो जमहूरी निज़ाम में जो इसका किरदार होना चाहिए, खुदा सहाफ़ियों को वो किरदार निभाने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारे मुल्क की आवाम को सही रोशनी मिल सके, सही रास्ता मिल सके और सही जादा मिल सके। इसी अल्फाज के साथ हम प्रोफेसर राशिद अज़ीज़ साहब, जनाब लईक रिजवी साहब और डॉक्टर आबिद हैदरी साहब और MGM कॉलेज के तमाम मेम्बरान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। सहाफत का किरदार आज़ादी के पहले या शुरू जमाने में या उसके बाद, जैसा कि आपने कहा कि जमहूर को जो है उसकी नुमाइंदगी करता है और बल्कि उनको बाखबर रखता है, ये तो है ही। लेकिन जमहूरी निज़ाम के अंदर जैसा कि लईक रिजवी साहब ने भी कहा और आपने भी कहा कि जमहूरी निज़ाम में आवाम पर या कह लीजिए कि सहाफत के ऊपर सरमाए का या इख्तदार का असर रसूख जो उस जमाने में भी था, लेकिन ये कह सकते हैं कि जहन उस वक्त ज्यादा आज़ाद था और आज वो असर रसूख बढ़ भी गया है, और हमें कोशिश कर रही है कि हम जहनी तौर पर आज़ाद रहें और कोशिश करें कि जो हमारा किरदार है वो सहाफत तो अदा करे जो भी करेगी, लेकिन आवाम की भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सवाल करें करके, और हो भी रहा है। मौजूदा सूरत हाल जो भी है, आवाम उठ करके खड़े हुए हैं और आप जो उनके हुकूक है, जो उनके फराइज हैं, उसकी तरफ बेदार है और हम उम्मीद की तरफ है। और एक जमाना था कि सहाफत में फैज़ फैज़ की जबान में अगर कहें कि मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डुबोली हैं उंगलियां मैंने, जबां पे मोहर लगी है तो क्या, कि रख दी है हर एक हल्के जंजीर में जबां मैंने। तो उम्मीद करते हैं कि उस तरह का जमाना फिर आएगा। अब मैं रुजू करूंगा कॉलेज के प्रिंसिपल और हमारे शोबे के सदर जनाब डॉक्टर आबिद हुसैन हैदरी साहब की तरफ के आज के सदारती खुद। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बरादर मोहतरम जनाब लईक रिजवी साहब का, जिन्होंने बहुत ही अलेवाना आज के इस दिमाग में पेश किया। बरादर अजीज डॉक्टर रेहान हसन साहब जी थी,
अमृतसर में सदर चौबे उठे, उन्होंने मौसम की खराबी के बावजूद वो खदशा जाहिर कर रहे थे कि शायद नहीं जुड़ पाए, लेकिन ये कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने भी अपनी गुफ्तगु से हम सबको मुस्तफ़ीद किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में शोबे उर्दू में प्रोफेसर डॉक्टर राशिद अजीज साहब, वो भी हमसे जुड़े, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जिस मौजू पर हमने गुफ्तगु करने के लिए ये महफिल सजाई थी, वो एक कामयाब महफिल जो है साबित हुई है, इसलिए कि बहुत ही अच्छी बातें हमको शेयर करने को मिली। इसलिए कि आज के इस पुराशोभ दौर में जाहिर है जहां जमहूरी निज़ाम पर, जैसा कि डॉक्टर रेहान हसन साहब ने कहा कि असल में आवाम को बेदार करने में जो सहाफत का रोल है और जिसे चौथा सुकून है हमारी इस जमहूरी निज़ाम का जो है कहा जाता है, उसका बहुत अहम जो है रोल हो जाता है और उसमें आवाम की भी जो है बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी हो जाती है। इसलिए कि जब उस सहाफत को अपना सही रोल अदा करने में आवाम भी जो है अहम रोल अदा करता है, इसलिए कि जब हम इब्तदा से देखते हैं अपनी उर्दू सहाफत को, मौलवी मोहम्मद बाकिर साहब मरहूम का नाम दिया जिन्होंने, और उसके बाद भी जब हम तरक्की पसंद अदबी सहाफत का जिक्र करेंगे और फिर राशिद अजीज साहब ने जो है नाम लिया, बहुत सी हमारी सहाफत की, लेकिन सबने जो है वो हमारे जमहूरी निज़ाम को मजबूत और मुस्तहकम बनाने में अहम किया। कुछ नौमीदी का वक्त भी आया है, सहाफती के शोबे से मैंने भी अपनी इब्तदाई जिंदगी की शुरुआत की थी। हमारे मोहतरम लई साहब और हम लोग लखनऊ में रहते थे, बहरहाल ये कौमी आवाज़ जैसे इदारे से मुंसलिक थे। मैं सहाफत और हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि बहुत से जब की, लेकिन जग पर काबू पाते हुए जो लोग अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाते हैं, असल में वही ही कहलाते हैं। अब वो जमाना भी आया है, यानी चंद वर्षों में, जहाँ बहुत सी चीजें सिर्फ यानी कागज को क्या करने के लिए या आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस तरह से भोपू बनते जो है इस्तेमाल होती है, लेकिन उसकी तरफ जो इशारा किया डॉक्टर राशिद अजीज साहब ने कि वो तमाम चीज़ें होती हैं, वो तमाम मसाइल होते हैं और उन मसाइल से जूझते हुए जो नतीजा जो है आज के हमें हुआ है वो ये कि हमें नाउमीदी जो है वो अख्तियार नहीं करनी है। आज भी बहुत से सहाफ़ी जो है अपनी ईमानदाराना कोशिश से और उस सहाफत से जो है सहाफत का जो है नाम रोशन किए हैं। बहरहाल की है इस पर बहुत कुछ की जा सकती है। आवाज नहीं जा रही है। जी 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 सर, आवाज आ रही है, बीच में वो डिस्कनेक्ट हो गया। जी सर, बहुत शुक्रिया। जमहूरियत को मजबूत बनाने में सहाफत का बेशक बहुत अहम किरदार है, और आज के हमारे जो मेहमानान थे, जो मुकर्ररीन थे, बहुत खूब बातें उन्होंने कही। अफसोस तो है लेकिन नाउमीद नहीं है, कि उम्मीद यही है कि जो सहाफत का किरदार होना चाहिए वो फिर से सामने आएगा और एक वक्त ऐसा होगा कि कलम सॉरी कहें कि सहाफत की सूरत में कलम का इकतदार फिर से होगा। अब मैं जो है अब आज के इस प्रोग्राम के एक अगले मरहले की तरफ चलूंगा, क्योंकि हमारे मुकर्ररीन अपनी बात कह ही चुके हैं।
हमारे शोबे के डॉक्टर रजाउर रहमान आकिब साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं अब शुक्रिया की रस्म के लिए सबसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे मेहमानान का और जो शुरका है उनका शुक्रिया अदा करें। डॉक्टर रजाउर रहमान आकिब साहब जी। रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या मेरी आवाज आपकी सब बात तक पहुँच रही है? जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा शुक्रिया। इससे पहले कि मैं शुक्रिया के कलमात की अदायगी का शर्फ हासिल करूं, मैं MGM कॉलेज के शोबे उर्दू के उन अजीम कारनामों की तरफ अपने सामईन हजरात की तवज्जो मुख्तसर तौर पर दिलाना चाहता हूं कि इस कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब डॉक्टर आबिद हुसैन हैदरी साहब और सदर शोबे उर्दू ने अपने इस ओहदे को संभालने के बाद शोबे और कॉलेज को जिस तरह से अदब और सहाफत की अदबी मेराज तक ले जाने की फर्ज अदा किया है, इससे पहले हम लोग शोबे के तहत बहुत अजीम शान सेमिनार भी कराते रहे, लेकिन COVID-19 की वजह से जो कुछ पाबंदियाँ आयद की गई हैं उसके तहत अब हम उन्हीं सेमिनार को वेबिनार की शक्ल में मुनअक़िद कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इस जिम्मेदारी को बहुत खूबी निभा रहे हैं। ये डॉक्टर आबिद हुसैन हैदरी साहब की सरपरस्ती उनकी रहनुमाई का नतीजा है कि कॉलेज सामाजिक पाबंदियों के बावजूद भी अपने फराइज को पूरी तरह से अदा कर रहा है। मेरी तरफ से डॉक्टर मौसूफ पूरी तरह से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं और इस बात से भी हमें खुशी होती है कि वह हमें भी काम करने के लिए महबूस करते रहते हैं। इस प्रोग्राम के हवाले से जो इस वक्त मुनक़िद किया जा रहा है बहसियत प्रोग्राम के कन्वीनर के, मैं अपनी जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि आप हजरात जो जीनते महफिल भी हैं और मस्नद आराए अंजुमन भी, उनके हुजूर शुक्रिया और सिफास के कलिमात पहुँचाऊँ। बिलखसूस इस सहाफती किरदार के हवाले से मुनाकिद किए गए अजीम शान वेबिनार के कलीदी खुतबा अदा करने वाली अजीम शख्सियत लईक रिजवी साहब ने जिस तरह से सहाफत के मियार, उसकी जिम्मेदारियों और एक सहाफ़ी की जो दयानत दाराना जिम्मेदारियाँ होती हैं उन पर मुफसल तौर पर बड़ी तशरी और वजाहत के साथ रोशनी डाली है, और फिर आपका अंदाज़ बयां, फिर आपके हुस्न अंदाज और उसलूब इतना दिल नशीन कि मुझे किसी शायर का वो शेर याद आ रहा था कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैं ये समझा ये भी शायद मेरे दिल में था। आप मुखातिब की जबान में अपने अल्फाज अदा करना चाहते हैं। आपने जिस तरह से इस मौजू पर रोशनी डाली इस बात का सबूत पेश करती है कि आपको सहाफत के पेशे से वाबस्ता होने के साथ साथ भी जहनी वाबस्तगी भी है। मेरी तरफ से आप पूरी तरह से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं और मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आपके हुजूर शुक्रिया के कुछ फूल लेकर हाजिर हो रहा हूँ। गर कबूल उफ्तद रहे इस बुशर। मेहमान खुसूसी डॉक्टर राशिद अजीज साहब ने जिस खूबसूरती के साथ और जिस दिल आवेश तरीके से अपने ख्यालात का इजहार किया उनके हुजूर भी शुक्रिया अदा करना मैं अपनी सआदत मंदी महसूस करता हूँ। इसके साथ ही मेहमान एजाजी डॉक्टर रेहान हसन साहब ने भी जिस अंदाज जिस उसलूब में अपनी बात रखी वो भी पूरी तरह से शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। सदर वेबिनार डॉक्टर आबिद हुसैन हैदरी साहब
اس لیے بھی شکریہ کے مستحق ہیں کہ آج کی صدارت انہوں نے بہت بحسن خوبی انجام دی, اور اس لیے بھی کہ وہ اس ویبینار کے بھی اصل محرک ہیں. جناب ریاض انور صاحب جو میرے شعبے کے ساتھی ہیں اور اس پروگرام کی بہت ہی دلکش, دل آویز اور حسن و ادا کے ساتھ نظامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں, وہ بھی شکریہ کے مستحق ہیں. نوید احمد صاحب, ڈاکٹر ہما فاطمہ جو ہمارے شعبے کے ساتھی ہیں, وہ بھی اس ویبینار میں جس طرح سے شریک رہے شکریہ کے مستحق ہیں. اس کے ساتھ ہی وہ حضرات بھی کہ جو ہمارے ساتھ اس ویبینار میں وابستہ ہوئے ہیں, انہوں نے اپنا نہایت قیمتی وقت ہمارے لیے اس ویبینار کے لیے مختص کیا, وہ سب بھی شکریہ کے مستحق ہیں. اور امید کرتا ہوں کہ جب بھی ایم جی ایم کالج اس طرح کے ویبینار یا پھر آگے چل کر جب سماجی پابندیاں ختم ہو جائیں گی سیمینار منعقد کرے گا, تو آپ حضرات کا تعاون, آپ حضرات کی شرکت ہمارے ساتھ رہے گی. شکریہ, بہت بہت شکریہ عنایت. خدا حافظ. کے امر اللہ. بہت خوب, بہت شکریہ سر. آج کا پروگرام اب اپنے اختتامی مرحلے میں ہے, تو میں ایک بار پھر سے تمام مہمانان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, تمام شرکا کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جو ہمارے تمام معاونین رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قلم کا جو کردار رہا ہے یا صحافت کا جو کردار رہا ہے اور جو رہنا چاہیے, تو قلم کے حوالے سے, اس کی آزادی کے حوالے سے چند اشعار کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں. میرے لیے تو ہے 100 بخششوں کی ایک بخشش, قلم جو افسر و تبل و علم سے ہے افضل. اسی نے مجھ سے کہا اس میں اہل صدق امر, اسی نے مجھ سے کہا سچ کا فیصلہ ہے اٹل, اسی نے مجھ سے کہا بیت یزید نہ کر, اسی نے مجھ سے کہا مسلک حسین سے.